जी बिल्कुल, मैं धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने आज यहाँ पर हमारा स्वागत किया है गर्मजोशी के साथ। हालांकि हम बहुत देर से पहुँचे हैं और जैसा मैंने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, साधारण कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूँ और आजीवन भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। क्या कारण रहे, हालांकि लक्ष्मण आपने गिना दिए हैं, किस तरह से क्या जरूरत पड़ी आपकी मुख्यमंत्री और आने वाले समय में चुनाव में आपका ये स्टेप कितना महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, ये जो कदम उठाया गया है, ये चुनाव क्षेत्र के लोगों से चर्चा करने के बाद ही उठाया गया। वो भी दुखी थे जब उनके ही काम नहीं होंगे। कोई मेरा व्यक्तिगत तो कोई भी काम मुख्यमंत्री से नहीं था, तो इसलिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ये 14 महीने में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसने कांग्रेस की सरकार के लिए काम किया था, जब उसको ही नहीं सुना जा रहा था, 12-12 बजे तक प्रदेश के शीर्ष नेता जो हैं, अगर वो अपने कमरे से नहीं निकलेंगे दिन में, तो काम कौन करेगा? और शाम को 7 बजे के बाद मिलेंगे नहीं, ऐसा कौन मुख्यमंत्री करता है? तो हमने भी मुख्यमंत्री देखे हैं। हम कांग्रेस में थे, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, 19-19 घंटे 18-18 घंटे काम करते थे, तो उनकी आयु भी बहुत हो गई थी, तब भी करते थे। तो इस तरह से ढुलमुल रवैये से और जिस तरह से संगठन चलता है, उस तरह से सरकारें नहीं चलती। आने वाले समय लोकसभा चुनाव में और बाई इलेक्शन में किस तरह से देखते देखिए, हैं? लोकसभा की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। ये 9 की 9 सीटें, हो सकता है इससे और संख्या बढ़ जाए, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सरकार बहुमत में नहीं है, अल्पमत में है। मुख्यमंत्री को उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब तो ये जाते जाते रेवड़ियां बांटने का काम है। अब कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ से इन पदों को, जो जिनको लोगों को रखा जा रहा है, उनको तनख्वाह दी जा रही है, तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति बन गई है। ये शुक्र है कि प्रदेश में और देश के अंदर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कर जाते घबराहट में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।